किसकी खिदमत करते हैं आप? आपकी हुजूर। सिर्फ हमारी? हम तो पूरे शाही खानदान के खादिम हैं शहजादे साहब। इसका मतलब ये शहजादे, ये कभी किसी एक के वफादार नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना, अगर हम इनकी वफादारी खरीद लें। जनाब हम तुम्हें जो कीमत चाहिए मिलेगी। हुजूर हमें तुम्हारी वफादारी पूरी तरह चाहिए, टुकड़ों में नहीं। तुम हमें सारी खबरें मुहैया करोगे, बड़ी या छोटी, और खासकर अबुल फजल और खाने खानन से जुड़ी हुई। हम कोशिश करते आ रहे हैं, हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे जरूर। हर एक खबर हुजूर, फजल तो एक अजूबा, एक बुल बुलैया जैसे है, उनके दिमाग में घुसना नामुमकिन है। जितने अच्छे से जहां पना खुद को नहीं जानते, अबुल फजल जानते हैं। खाने खानन अपने आप में वो किला है जिसे कोई नहीं बेच सकता। तुम क्या कहना चाह रहे हो? देखिए हुजूर, हम ये कहना चाहते हैं, हमारी पहुंच तो ज्यादातर जनाने में है, बाकी हर एक नई जगह हमें नया होशियार खड़ा करना होगा ना। कोका, तुम्हारे पास जितने शाही मोहरे निकालो। मेरे पास तो एक भी नहीं है। सारी खर्च कर डाली, बाबा तुम निकालो। शहजादे हमारे पास भी कुछ नहीं है। आपके हुक्म की तामील होगी शहजादे सलीम। वाह शहजादे, हम तो आपकी मदद करने आए थे, पर आपने तो उस सामने हमारी तौहीन ही कर दी। तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त ही कहां है महाबत? तुम तो आजकल अपना वक्त कहीं और ही जाया कर रहे हो। उसी की वजह से हमें हमारी पीठ पीछे चल रही हर खबर के बारे में पता चलता रहता है, इसका अंदाजा तुम्हें होना चाहिए। जा रही हो? बड़ा चीख चीख के कह रही थी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। तुझे पता है ना, तुझे शहजादे सलीम के निकाह में जाने की इजाजत नहीं है। आप अपने काम से मतलब रखिए ना। वैसे तुम्हें खुशखबरी दे दें कि मान सिंह की वजह से हम शाही दरबार में घूमते नजर आएंगे और तुम दिन भर यहाँ बैठ के तारे गिनती रहना। तुम्हें पूरा यकीन है अम्मी का दिल पिघल जाएगा और वो हमको साथ चलने को कहेंगी, और आप मारिए ताने जितने भी मारने। हम जानते हैं कि आपके दिल में क्या गुजर रही है, आप फिक्र मत करिए, अम्मी से हम बात करेंगे। हमें आपकी रहम की भीख नहीं चाहिए, हम अपनी मुश्किलों का हल खुद ढूंढ लेंगे। ठीक है, पाशा बेगम का इकबाल बुलंद हो, कश्मीर के नवाब जहां पना के चचेरे भाई आपके हुजूर में तशरीफ लाए हैं। पाशा बेगम को हमारा सलाम। सलाम। आपसे पिछली मुलाकात हुए 10 बरस तो हो गए होंगे, आपसे एक बार फिर से रूबरू होना हमारी खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए। कहिए कैसे खातिरदारी करें आपकी, फारस के मेवों से या राजस्थान की मिठाई से? पर इस बार तो हम कुछ और ही चाहते हैं। फरमाइए। शहजादे सलीम के निकाह में आए हुए 5 दिन हो चुके, लेकिन जहां पना से मुलाकात नहीं हुई। वो है कि हमें हाजिरी का मौका तक नहीं देते, अब उनसे मिले बिना हम अपनी दलील कैसे पेश करें?
अपनी मजबूरी कैसे समझाएं? आप तो जानते हैं कि जहांपनाह के सियासी मसलों में हम अपनी आवाज नहीं देते। हमें तो लगता था कि आप ही एक हैं जो हमारी बात कह सकते हैं, और फिर हम तो उनके रिश्ते में हैं, तो ये तो घर की बात हुई, सियासी कहां हुई? हमें माफ कीजिए, ये हमसे नहीं होगा, पर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जहांपनाह आपसे खफा नहीं है। वो इन दिनों इतने ज्यादा मसरूफ हो चुके हैं, और ऊपर से इस निकाह की तैयारियां, अब तो हो सकता है कि जश्न में ही आप दोनों की मुलाकात हो जाए। हम भी यही चाहते हैं, तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। होशियार। हुक्म पाशा बेगम। फरमाइए बेगम। क्या जहांपनाह को इत्तला हो गई है कि कश्मीर के हाकिम उनसे मिलना चाहते हैं? बिल्कुल पाशा बेगम, उन्हें सब खबर है। यानी कि वो जानबूझ के उनसे दूरी रख रहे हैं। सियासत के मामले में हमारे शौहर से बेहतर कोई नहीं। अच्छा, सलीम की नई बेगम को जनाने में आए हुए कितने दिन हो गए? करीब हफ्ता होने को आया है बेगम। अच्छा, जरा देखो तो, ऐसा क्या हो गया कि उसको हमसे मिलने में इतना वक्त लग रहा है? अति सुंदर, कमल की भांति सुंदर है तुम्हारा चेहरा। शहजादे तो तुम पर अपनी जान अर्पण कर देंगे। पर शहजादे की कुछ बातें हैं जो हमने समय के साथ सीखी है, हर चीज में उनकी पसंद नापसंद इत्यादि, ये सारी चीजें तुम्हारी बहुत काम आएंगी। परंतु ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन बातों को जाने बिना भी हम अपने शहजादे को प्रसन्न कर सकें और उनका प्रेम प्राप्त कर सकें। राजपुतानी होने के नाते हम तुमसे कह रही हैं बहन, जब तक जादू समाप्त नहीं हो जाता ना, बहुत प्यार किया जाएगा तुम्हें, उसके बाद तुम्हें हमारे पास ही आना होगा शहजादे को खुश करने की गुर सीखने के लिए। और वैसे भी ये जो सुंदरता है ना, ये ज्यादा देर नहीं ठहरती। याद रखना, हम बड़ी बेगम हैं और उनके बड़े बेटे, और इस मुगल सल्तनत के वारिस की माँ है। तुम्हें हम समय समय पर सहायता करते रहेंगे। हमें किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप उनकी पहली पत्नी हैं और उनके बेटे की मां भी, ये हम अवश्य याद रखेंगे। वैसे शहजादे खुसरो अब कैसे हैं? सुना है कि उनकी मनोदशा कुछ ठीक नहीं रहती। क्या मतलब? राजकुमारी सा, खुश रहो। क्या क्या आपने? क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ऐसे कोई आग लगाता है? वैसे इनकी परिस्थिति देखकर लगता है कि आपको हमारी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। जोधपुर में बड़े बड़े वैद्य हकीम हैं, आप कहें तो बुलवा भेजें। धन्यवाद, पर हमें आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा हम पर
और हमारे बेटे खुसरो पर है वो सदा रहेगी। अब विधि ने जो लिख दिया वो तो होगा ही। अब आपने बहन बना ही लिया है तो हम इस रिश्ते को पूरी श्रद्धा से निभाएंगे। निशा, ये हमारे कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? अम्मी, हम कैसे लग रहे हैं? कितना भी सज सवर लो ना, तुम नहीं जाओगी आज। अम्मी, जब तक तुम अपनी आदतें नहीं बदलोगी ना निशा, तुम्हारा कहीं भी जाना जरूरी नहीं है। अम्मी, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, आप घर पे ही रहेंगी, ये समझ लीजिए। ठीक है, हमें नहीं जाना कहीं पे। क्या हुआ बेटा? आप इस पर तवज्जो मत दीजिए, थोड़ा सा तमाशा करेगी फिर ठीक हो जाएगी। हम दिल की बात बोलते हैं तो बदतमीजी कहा जाता है। वो पंडित पागल है, पहले तो शास्त्रों की बातें बताता है जैसे कि सब कुछ सच हो, और जब हम अपनी बात रखते हैं तो बोलता है वो शास्त्री पुरानी हो चुकी है, कहानी समझ कर भूल जाओ। आप परेशान ना हो, आपके लिए हम नए पंडित ढूंढ लेंगे। कोई नहीं चाहिए हमें, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा वही होता कि आप हमें कहीं रेगिस्तान में छोड़ाते, आप लोगों को इतनी मुश्किल तो नहीं होती? किसने कही ये बात तुमसे? हम अपनी पैदाइश की पूरी दास्तान जानते हैं। निशा, हमारे साथ फिर से ये सुलूक क्यों किया जा रहा है अब्बू? हमने जब से इस कहानी के बारे में सुना है ना, हमें अकेले रहने में बहुत डर लगता है। अब तो आप सब लोग भी हमें अकेला छोड़ के जा रहे हैं, और फिर से हमें वही डर सताएगा। अब्बू, आपको नहीं लगता कि हमारे लिए कुछ ज्यादा कड़ी सजा है? आप हमारे साथ जाएंगे? आपकी अम्मी ने आपको माफ कर दिया। सच अब्बू? बिल्कुल, और हम आपके लिए नए कपड़े और नए जेवर भी लाएंगे। खुदा खैर करे शहजादे, सुबह सुबह नाश्ता किया जाता है और आप है कि शराब पे शराब पिए जा रहे हैं। किसी के बाप ने हमें पीने से रोका है क्या? बल्कि हमें रोका गया है दीवाने खास जाने से। जब कुछ करने को ही नहीं तो हम पी रहे हैं। तुम्हें एतराज तो आपको होगा शहजादे, जब आपको पता चलेगा कि दानियाल किस तरह नवरत्न और बाकी दरबारियों पे अपना जादू चला रहे हैं। शहजादे का इकबाल बुलंद हो, आपके लिए खुशखबरी है शहजादे सलीम। कैसी खुशखबरी? जहां पना ने आपके निका को ध्यान में रखते हुए आप पर रहम किया, आपको माफ कर दिया है, और तो और आपको इसी वक्त देवाने खास में हाजिर होने का हुक्म दिया है। क्या चली। तो आज दीवाने खास में क्या चल रहा है? हुजूर, कश्मीर के नवाब आपके चाचा जान जहां पना के सामने महसूल माफ करने की अर्जी लेके आए हैं। अच्छा, हम जानते हैं भाईजान कि आप हमसे नाराज हैं, इस वजह से हमारी नींद उड़ गई। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आपकी नाराजगी नहीं, हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें शायद गलत इत्तला मिली थी कि मुगल फौज हमारी जमीन पर चढ़ाई करने वाली है, इस वजह से हम फंसे रह गए और आपकी बात नहीं मानी। शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं।
लगान की बात करें? माफी चाहते हैं जहां पना, अभी हम उस हालत में नहीं है कि पूरा लगान दे सके। जहां पना पर आधा लगान भरने का इंतजाम कर सकते हैं। जहां पना रहम दिल बादशाह, अपने बेटे के निकाह के मुबारक मौके पर आपका चचेरा भाई एहसान की उम्मीद लेकर बड़ी दूर से आया है। कब तक नातों रिश्तों के दम पर अब जहांपनाह के फैसले की नाफरमानी करते रहेंगे? बहुत वक्त से आपका नाटक देखते हैं और अब हमारे निकाह का फायदा उठाने नहीं देंगे आपको। कश्मीर में कौन सी बदहाली और गरीबी है जो लगान आधा कर दिया जाए? हम कोई दलाल नहीं जो आधे पौने का हिसाब रखे। ये महसूल आपकी वफादारी, आपका फर्ज है। आधे महसूल का मतलब आधी वफादारी। तो ही नहीं करनी थी तो आपने कर दी होती जापना। निकाह का न्योता देखकर हमें बेइज्जत किया गया, ये बदनामी हम नहीं भूलेंगे। इसके पहले आपको बंदी बना दिया जाएगा। सिपाहियों खामोश। देखिए, हम चाहते हैं कि आप तशरीफ रखें और अपनी दलील पूरी करें। जहां पना अब देखने को कुछ नहीं बचा है, हमें इजाजत दीजिए। सलीम, अगर आप अपने गुस्से को काबू में रखते तो बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। पिछले 5 दिनों से जो खेल हम इनके साथ खेल रहे हैं, उसकी वजह से शायद आज कश्मीर का मसला हल हो जाता। आपकी नादानियों की वजह से हमारी सारी कोशिशें एक पल में जाया हो गई। अबुल फजल उन्हें खत लिखिए, जो हुक्म जहां बना, किसी भी तरह रोकिए उन्हें, और अगर फिर भी नहीं माने तो उनसे कहिए कि जंग के लिए तैयार हो जाए, दरबार बर्खास्त किया जाए। Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.